जी। किस तरह आपने ये गाने को कंपोज लिया है और क्यों आपने इस गाने को आपने सेलेक्ट किया है? पहले मैं सबका इंट्रोडक्शन कर दूं। गौरव दासगुप्ता, गौरव दासगुप्ता ने इससे पहले कई एटलीस्ट 8-9 फिल्मों में अब तक म्यूज़िक कर चुके हैं। फिल्म 2007 से म्यूज़िक कर रहे हैं एज एन इंडिपेंडेंट कंपोजर। रशियन, वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर प्रोग्रामर्स, प्रोड्यूसर्स, और बहुत सारे ऐसे हिट गाने हैं जिनका म्यूज़िक वो करते हैं लेकिन बड़े चुपचाप से हैं। तभी भी बातें नहीं करते थे, अब अभी शायद आज कुछ बातें अगर आप उनसे निकाल पाएँ तो हम तीनों मिलकर, चूँकि गौरव नाम जो है, गौरव का मतलब भी प्राइड है और शान मतलब प्राइड, और रोशन भी नाम रोशन करना ही नहीं प्राइड, तो कहीं ना कहीं प्राइड वर्ड को स्पैनिश में सुपर्बिया कहा जाता है, तो उस वजह से हमने नाम रखा अपना सुपर्बिया। और अब तक एक सतरंगी एल्बम भी निकला है सारेगामा पाकिस्तान, बट दिस इज़ द फर्स्ट फिल्म सॉन्ग दैट वी आर रिकॉर्डिंग। तो एक तरह से ये मुहूर्त हमारी भी फिल्म जगत का एक मुहूर्त है एज कंपोजर्स टुगेदर एज सुपर्बिया। और आज जो गाना हम कर रहे हैं, ये गाना एक बहुत फन सॉन्ग भी है लेकिन सिचुएशनल फन सॉन्ग है, जहाँ जो हीरो है इट्स हिज 25th बर्थडे और उस दिन पर वो प्रपोज कर रहा है अपनी माशुगा को, तो उस तरह का गाना है और बीच पर है, तो इट्स टोटली टू द ब्रीफ। जिस तरह से विश्वास पांडे जी ने हमें समझाया सिचुएशन, तो उस तरह का गाना बना। आजकल गाने बनते हैं और बाद में सिचुएशन बनते हैं, लेकिन ये गाना सिचुएशन पर बना है, और चूंकि गोवा है, चूंकि बीच है, सो इट हैज़ अ वेरी बीच कार्निवल काइंड ऑफ म्यूज़िक, और वर्ड्स भी उस तरह से 12 साल से लेकर 25 साल तक की उनकी लव स्टोरी इस गाने में है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ही कैची, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुक है, और गाने का नाम है एंजेलिना, जो कि हीरोइन का नाम है। कहीं ना कहीं इससे पहले मैंने आप तीनों को एक साथ नहीं देखा, शायद मैं गलत हूँ, क्योंकि वो काम करते रहते। मैं गौरव, आप ही बताए। हाँ, हम लोग एक साथ काम कर रहे थे अबाउट 2-3 years, हम लोग रिकॉर्डिंग के जरिए मिले थे, तो देन वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, इज अ ब्रदर, हम लोग सोचे थे एक साथ क्यों नहीं करते कुछ, एंड फर्स्ट आइडिया वॉज टू जस्ट डू अ लाइव बैंड, इंडियाज सुपर रॉक बैंड, बट फिर आहिस्ते आहिस्ते फिल्म का, एड्स का, एल्बम्स, वी स्टार्टेड डूइंग एवरीथिंग टुगेदर, और अभी तीनों एक साथ ही देखेंगे आप लोग। नहीं बिल्कुल, और हम लोग बहुत फिल्म सीरियल जैसे गौरव ने कहा काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं, और सब 2015 में होपफुली इनमें से कई चीज़ें आपके सामने आएंगी, तो और हम लोग तीनों अब दिखेंगे आपको जहाँ भी आप तीनों देखेंगे। जी जी। इस फिल्म में आपने एक ही गीत गाया शायद? पांच गाना है, अलग अलग सिचुएशन, वी हैव कंपोज्ड ऑल 5 सॉन्ग्स। आजकल जो नहीं होता है, आजकल एक एक सिचुएशन के लिए, एक एक के लिए इसका पास हिप हॉप चाहिए, इसका पास आइटम, तो वी वॉन्ट टू डू द होल साउंड ट्रैक, एंड विश्वास हैज बीन वेरी काइंड, सो वी डन द फुल साउंड ट्रैक। ये पहला गाना है एंजेलिना, शानज सॉन्ग। So today is a big day because Shan makes his debut as a composer and a singer together. Yeah. So it is a big day. And yeah. Thank you. नहीं, और जैसे जैसे गाने हो, जैसे सिचुएशंस हैं, कुछ गाने जो बैकग्राउंड के गाने हैं, कुछ ऐसे गाने हैं जिनमें पंजाबी टच है, तो उस तरह के गाने को सही वॉइसेस की ज़रूरत होती है, तो ये वाला गाना, ये अर्बन मस्ती वाला गाना है, तो दिस आई थिंक सूट्स माय वॉइस। दूसरे गाने हैं जिसमें हम दूसरे सिंगर्स को सोचे हैं, और बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें भी हैं, और बहुत अलग अलग अतरंगी टाइप के गाने हैं, क्योंकि फिल्म की स्क्रिप्ट जो स्टोरी है काफ़ी अलग है, इट्स नॉट ए रेगुलर, होती है ना लव स्टोरी होती है, एक्शन फिल्म होती है, जिसमें एक सटायर है और एक यंग है, तो उसमें सारे गाने सिचुएशंस भी प्रॉपर स्पेसिफाइड सिचुएशंस हैं, यानी कि 4 आइटम गाने बना दें। करनी चाहिए एक्चुअली मुझे हम लोग कवे के बोला कुछ एक साथ इतना टाइम बिफोर पीपल विल बी वंडरिंग व्हाट इज हैपनिंग, लेट्स डू समथिंग क्रिएटिव। हां, मुझे लगा ही इज अ कंपोजर सन, सो कंपोजिंग केम नेचुरली, एंड या इट्स ग्रेट। एक्चुअली मुझे यही था कि ऑलरेडी दोनों अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छे गाने बना रहे हैं, तो अब मैं क्या करूंगा, लेकिन जब उन्होंने बाकी कहा कि नहीं नहीं कुछ ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हारा नाम डालेंगे, तुमसे भी कुछ काम निकालेंगे, तो फिर हम लोग मिलकर जब चीज़ें करने लगे और लोगों को पसंद आने लगा। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहते हैं कि हम लोग जितनी कंफर्टेबली, जितनी आसानी से और जितने प्यार से विश्वास
ने हमसे अपना काम निकाल लिया कहेंगे, ये इतना आसानी से होता नहीं है. कई बार आपको यू नो हैव टू गो ऑन बैक एंड फोर्थ, ऐसा बनाओ वैसे बनाओ. उनको जब पसंद आ गया बोले इमीडिएटली लॉक्ड, आगे मुझे नहीं सुनना है. तो सो आई थिंक कुडोज गोज़ टू द डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऑल्सो कि उन्होंने हमें ये मौका भी दिया और हमें जो हमारी चीज़ है उस पर ज़्यादा दखलंदाजी ना करते हुए एक्सेप्ट उन्होंने किया. बस अगर उनकी सिचुएशन में फिट हो जाता है तो दैट्स गुड नाउ. आपको अमिताभ बच्चन की आवाज कैसी लगती, क्योंकि आप एक फिल्म शंटा में उनकी आ रही है और कहना बेकार है कि आवाज कैसी लगती, ये क्वेश्चन ही है, लेकिन आपको एज ए सिंगर मिस्टर बच्चन की आवाज कैसी लगती है? आप तीनों लोगों को आई लव हिज वॉइस. बिल्कुल बिल्कुल लिटिल डीप वॉइस मेरे को तो पसंद है. मेरे को ज्यादा वो थिन हाई वॉइस पसंद नहीं है ऐसे भी. एंड अमित जी ने, अमित जी तब से गा रहे हैं जब आजकल की ये जो प्रोसेसिंग है, जो ट्यूनिंग है, ये सब चीज़ें नहीं थी. और शायद उन्होंने लाइव गाया होगा, उनके जो शुरुआत के गाने थे अगर आप उनके सिलसिला का गाना अगर आप सुने, और या उससे भी पहले जब उन्होंने महान के लिए गाना भी गाया था, खूबसूरत गाना था वो, तेरी जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है. किशोर दानी भी गाया था, लेकिन अमित जी का भी गाना आप सुनेंगे तो बहुत ही सुर में उन्होंने गाया था. तो वो सिंगर है, ऐसी बात ज़रूरी नहीं है कि कोई एक्टर है तो बस एक्टिंग कर सकते हैं, कोई सिंगर है तो बस सिंगिंग कर सकते हैं. अभी कुछ सिंगर्स ने एक्टिंग की कोशिश भी की है, अब अलग बात है कि वो बात चली नहीं, वो बात लोगों को हज़म नहीं हुई, लेकिन आई थिंक एक क्रिएटिव इंसान है, वो हर चीज़ कर सकते हैं. और अमित जी तो बखूबी कर चुके हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे. सो इट्स नॉट हिज फर्स्ट सॉन्ग और हिज लास्ट सॉन्ग, और बहुत सुपरहिट गाने उन्होंने गाए हैं एंड गाते रहेंगे. सो वी ऑल आर बिग फैंस. चलते चलते इस फिल्म का एक गाना हाँ, यस ऑफ कोर्स, ठीक है. जो गाना आज हम डब करें वही करते हैं, उसका थोड़ा सा जो हुक पार्ट है वही कर लें. शाबा रूबा शाबो बे बाबो तुझसा है कोई कहा, शाबा रूबा शाबो बे बाबो ओ मेरी एंजेलिना, शाबा रूबा शाबो बे बाबो तुझसा है कोई कहा. ये इट्स अ फुल वो बीच पार्टी टाइप का गाना है, मस्ती वाला गाना है.